हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर एक ब्लाउज़ नज़र आ रहा होगा येलो कलर का, जिसकी स्लीप कुछ आजकल ट्रेंड में है, जिसकी हमने पूरी की पूरी वीडियो बनाई है। इसको कैसे स्टिच करना है, कैसे कटिंग करना है, तो चलते हैं दोस्तों इस स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक खूबसूरत सी न्यू मॉडल स्लीव्स, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इस स्लीव्स में बॉक्स पर पूरा का पूरा पैटर्न बना हुआ है, आजकल ये ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है। बैक में कुछ इस तरह से आएगा। तो अब वीडियो करते हैं स्टार्ट, ताकि ज़्यादा समय ना लगे। इस स्लीव्स की लंबाई है हमारी 9 इंच, गुलाई 10.5। इसमें जो बॉर्डर आएगा वो आएगा 4 इंच का। तो हमारी स्लीव्स तैयार आएगी 9.5 इंच, स्टिचिंग होने के बाद बचेगी 9 इंच। तो सबसे पहले एक इसी के बराबर काटते हैं पेपर। स्लीव्स में देते हैं जैसे नॉर्मल स्लीव्स होती है, उसी तरह से हमने स्लीव्स को कटिंग कर लिया। अब कटिंग करने के बाद लंबाई हमारी ये है 6.5 इंच, जो कि 4 इंच यहाँ से लंबाई आएगी, हमारा हो जाएगा 9.5 इंच। अब इसको कैसे बनाना है, कुछ उस पर बात करेंगे। सबसे पहले इसमें एक निशान लगाएंगे सेंटर से। निशान लगाने के बाद इसको कैसे कटिंग करना है, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। ये है हमारा सेंटर। सेंटर के बाद ये हमारा सेंटर है। सेंटर के बाद यहां से एक शेप देंगे, जो कि हमारा इस जगह पर खत्म होगा, जिसके लिए हम फ्रेंच कर्व इस्तेमाल करेंगे। इस साइड से यहाँ का जो गैप आएगा, ये बीच सेंटर से होगा, ये 8 इंच है। हमको यहाँ से यहाँ की जो दूरी लेनी है वो हाफ में लेनी है, 5 इंच में। और यहाँ से इसको हम इस तरह से कर देंगे गोल। और अब यहाँ से 1.5 इंच के निशान लगाएंगे, 4, 1.5, 1.5, 1.5, और लास्ट वाला भी आएगा हमारा 1.5। अब इन निशानों को हम कुछ इस तरह से गुलाई दे देंगे। और ये, और इसकी करेंगे हम कटिंग। कटिंग में हमको पूरा अलग नहीं करना है, एक तो यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे और इन निशानों को ऊपर से 1/2 इंच देंगे छोड़। अब इनको हम फैब्रिक पर जमा कर पिनअप करेंगे। ये हमारा फैब्रिक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम बॉर्डर निकाल लेंगे, ताकि ये हमारा बॉर्डर हो गया, जो कि नीचे आएगा बॉटम पर। और स्लीव्स को कुछ इस तरह से रखेंगे और इस्तेमाल करेंगे हम थोड़ा सा पिन का। यहां से 1.5 इंच का गैप देंगे, यहाँ से 1.5 इंच का हमने गैप दिया। और यहाँ से एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से केवल मार्जिन का हिस्सा बढ़ाकर कर लेंगे कटिंग।
यहाँ से भी मार्जिन छोड़कर हम कटिंग कर लेंगे। अब हमारी ये कटिंग हो चुकी है, इसमें हम लगाएंगे निशान। इसको यहां से अटैच कर देंगे। सिलाई भी लग चुकी है और अब यहां पर लगेंगे 4 मोती वाले बटन।